एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं खजूर और इमली की चटनी बना रही हूँ। इसके लिए खजूर इमली लें, इसे 2-3 घंटे फुला के इसके बीज निकाल लें। नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, चीनी, काला नमक, सौंठ, खरबूजे के बीज, जीरा पाउडर, नमक, सूखी लाल मिर्ची, राई। कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखें। इसमें येलो मस्टर्ड और ब्लैक मस्टर्ड डालें। इसमें सूखी लाल मिर्ची, हींग, थोड़ी सी हींग दें और खजूर और इमली के पल्प को अच्छे से इसका पल्प निकाल के रख लें। वो पल्प डाल दें इसमें। इसमें स्वाद अनुसार नमक थोड़ा ही देना है, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, चीनी, काला नमक, खरबूजे के बीज, जीरा पाउडर, सॉल्ट पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से एकदम गाढ़ी हो जाए, इसे अच्छे से पका ले, जब ये गाढ़ी हो जाए तब ये रेडी है सर्व करने के लिए, खजूर इमली की चटनी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये बहुत यम्मी है खाने में। इसे आलू के पराठे के साथ सर्व करें।